मेरी शादी की बात चल रही है, बात चल रही थी बहुत तेज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हनुमान धाम रामनगर में, और आज हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ भैया के साथ। मोदी जी शेव कर रहे हैं अभी। एक और पंडित जी जा रहे हैं, बिष्ट पंडित जी, उनकी गाड़ी में आज हम जा रहे हैं हनुमान धाम। तो लेके चलते हैं आपको जल्दी से, तैयार तो मैं हो गया हूँ, नाश्ता पानी हमने कर लिया है, बस आप लोग को लेके चलते हैं आज आपको हनुमान धाम घुमाएंगे रामनगर में। आज चलते हैं, आ जाओ मौसा जी, आज मेरे साथ जा रहे हैं सर सारे सिटीजन लोग, सीनियर सिटीजन लोग, सारे बड़े बड़े जा रहे हैं, मैं कल्ला बच्चा हूँ, पर देखते हैं गाड़ी में क्या होगा, एंजॉय करते हुए जाएंगे, मजा आएगा। चलिए, अच्छा बुआ जी हम जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी वो कह रहे हैं हम हनुमान जा रहे हैं, हनुमान धाम जा रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपकी कोई फरमाइश हो भाभी? आपकी फरमाइश? फरमाइश है जाए भाभी जी हम, पक्का शर्म आ रहे हैं आपकी। मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जी वीडियो में बोलो बोलो। ठीक है फिर जाए अब, बिल्कुल पक्का, बाय 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 बाय। चाय पी ले, मैं रात ही आता रहेगा। चाय पी ले, चाय चाय बची थोड़ी सी, पी लेता हूँ जल्दी से। ऑल द बेस्ट है, ऑल द बेस्ट। गरम हो गया, चाय वगैरह तो पी ली, सूज डाल लेते हैं हम जल्दी से, ये पड़े सूज डाल लेते हैं। तो गाइस चल रहे हैं, पंडित जी भी आ गए, पंडित जी आए बोलो एक बार। Hello. चल रहे हैं? Hello. चले चले जी, चलो 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 चलो, गाड़ी में जाके मिलते हैं, वहाँ खड़ी सामने गाड़ी में जाके मिलते हैं बिष्ट पंडित जी की। यहाँ मैं कहाँ बैठूँ, पीछे बैठ जाऊँ? चला लो। नहीं नहीं खिड़की की साइड बैठूंगा, मेरे को पीछे बैठने में मजा आता है, चलाने में नहीं। ठंडी बहुत ज्यादा है, ओस जम गई शीशों पे भी, क्या शीशों पे भी ओस जम गई है सारे में। ठंड लग रही है? नहीं ओस जम गई सारे शीशों पे भी, देखो बस पहुंचने वाले हैं। तो गाइस हम काला डूंगी आ गए हैं, यहाँ पे एक और मामा जी आ रहे हैं हमारे साथ जाने के लिए, दरिया मामा जी काला डूंगी में, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, धुंध हो रही है चारों तरफ, हल्द्वानी में तो धूप थी, यहाँ बहुत ठंड है। वो आ रहे हैं मामा जी, छोटे से नजर नहीं आ रहे, दूर है ना इसलिए। तक मामा जी आ रहे हैं, थोड़ी देर हाथ सेक लेते हैं, सामने आग जल रही है, बहुत ठंड हो रही है। इस मामा जी भी आ गए, प्रणाम, ठीक हो? मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है? ठंड कैसी लग रही है? ठंडी बढ़िया है, इतनी जोरदार है धूप है यहाँ तो, मुझे भी ठंड लग रही है। बाहर चारों तरफ धुंध है, मिलते हैं आपसे पहुंच के, बहुत मजा आएगा। फ्रेंड्स हम रुके हैं कुलचे छोले खाने के लिए, ये वहाँ पे, और हम यहाँ पे खा रहे हैं कुलचे छोले, पंडित जी ले गए हैं कुलचे छोले खाने के लिए, तो मिलते हैं खाते हुए। गाड़ी में बैठे खा रहे हैं गाइस, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है।
कितनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरियां गाइस, पहाड़ों में बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरियां होती हैं। आपको मैं पीछे दिखाई, ये देखिए, कितने रुपए किलो है भैया? भैया स्ट्रॉबेरी कितने रुपए किलो है? स्ट्रॉबेरी कितने रुपए किलो है? 250 रुपए की बड़ी वाली है। मीठी लग रही है देखने से तो यार, बहुत बहुत बढ़िया। तो गाइस हमने लिए हैं स्ट्रॉबेरियां दो खाने के लिए यहाँ से, देखते हैं कैसी है, क्योंकि देखने से तो बहुत टेस्टी लग रही थी। तो गाइस स्ट्रॉबेरी बहुत टेस्टी थी। अब हम चल रहे हैं आगे को। मौसा जी कह रहे हैं मेरी शादी कराएंगे मंदिर में। हाँ हाँ पक्का कराएंगे, पक्का होगा। अभी बराती आ गई, सारे राजी हो गए मेरी शादी के लिए। मामा भी बराती आ गए, बराती है मामा को भी लेके आए। पंडित जी तो आए ही आगे, पंडित जी भी साथ है, सब जो है बरात के साथ चलेंगे। बाघ भी गिर गया, बाघ भी गिर गया, नजर चढ़ गया। चलते हैं आगे को। ये पंछी वो बैठे हैं, अमेरिका से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं यहाँ बैठने के लिए स्पेशल। ये कौन से पंछी है? पंछी तो बैठे हैं बहुत बड़े बड़े, यहाँ कितने बड़े बड़े बैठे हैं ना, ये बैठे हैं। अच्छा हवाई जहाज से आए हैं यहाँ? बता देते हैं हवाई जहाज से नहीं आए, उड़ के आए हैं। हवाई जहाज में भी आते हैं, हवाई जहाज के ऊपर बैठ के आते हैं ना, यहाँ जाके मजाक कर रहे हैं। अब बताओ हवाई जहाज से आते पंछी बैठ के? वो दिल्ली से, दिल्ली में उतर जाते हैं, दिल्ली से इधर आते हैं। दिल्ली से इधर कैसे आते हैं? उड़ के, उड़ के अपने शहर से आने वाले उड़कर। अमेरिका से ऐसे नहीं आते, यहाँ से उड़ के आइए इधर। सफारी करने के लिए गाड़ियाँ जा रही है जिप्सी, वही तो मंदिर जा रहे, नेशनल पार्क में है। सीतापनी मंदिर जा रहे हैं। कौन से मंदिर जा रहे हैं? सीतापनी, सीतापनी। ये गाड़ियाँ पीछे बैठ के यहाँ नेशनल पार्क में भी घुमाते हैं गाड़ी। हाँ जिम कॉर्बेट में जाती है, नेशनल पार्क है ना, उनकी जंगल सफारी कराते हैं। ये गाड़ी, ये गाड़ियाँ हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं भैया, ये खाली शूटिंग होते हैं, देखता कुछ नहीं है। जंगली दिखाते हैं और क्या, कॉलेज सारा जंगल में ही है, जंगल कितना खतरनाक है। बाघ आ जाता है इस रोड पे, इस रोड पे बाघ आ जाता है। और क्या आपने देखा है? बाघ देखा आपने रास्ते पे? रास्ते पे नहीं देखा, रास्ते पे मैं रात को थोड़ी आता हूँ। नहीं जब भी आते तब देखा? नहीं नहीं दिन में आता हूँ, दिन में तो नहीं दिखता है, दिन में भी आ जाते हैं कभी कभी। हैं सब दिन में तो उठा लेके हम लोग। हाँ दिन में भी आ जाते हैं ना। तो गाइस पहले हम जा रहे हैं गिरजा मंदिर, हनुमान धाम जाएंगे गिरजा मंदिर के बाद, तो अभी हम लेके चलते हैं वो गिरजा मंदिर जो उत्तराखंड का बहुत ही मशहूर मंदिर है, लेके चलते हैं। बनने पे नहीं लगी थी ना, पहले नहीं होंगी फिर? ना ना पहले नहीं, अब अभी है। तो गाइस हम पहुंच गए गिरजा मंदिर, पीछे जा रहा है मार्केट, मार्केट से होते हुए जाएंगे। घर से भगा दिया क्या? है?
बहुत महंगा कर रहे हैं का कलर है मेरी शादी की बात चल रही है। अरे खेल ले जो सही है। किधर को जाना है? अरे आगे जाके दिक्कत होगी, किधर को टाप जाएंगे। यह है गिरजा मंदिर दोस्तों। ये तो भीड़ हो रही है, ऊपर से लाइन जा रही है ना, भीड़ हो रही है। हवा चल रही है बहुत तेज। वाह क्या सीन है। यह मंदिर का पूरा व्यू, ये लाइन यहाँ से जा रही है ऊपर, माता जी के पास ऊपर माता जी हैं। आ जाओ बहुत ही ज्ञान गिरजा मंदिर। चलो लाइन में निकलना पड़ेगा। चलो पंडित जी चलो। पहुंच गए हम गिरजा मंदिर दोस्तों। बहुत ठंडी हवा चल रही है। पहाड़ के बीच में नदी है। पंडित जी अगरे का मतलब क्या होता है? अगरे का मतलब हगने नहीं, अगरे। अच्छा ओके। शने शने धीरे धीरे सने 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 चलो पंडित जी काम सब आ गया कर लेंगे। नहीं नीचे गया क्या? नहीं अपना नीचे नहीं गया था वो। I'm
लिए दोस्तों प्रसाद मिल गया। हवा भी नहीं तेज चल रही है, यहाँ पर तेज हवा चल रही है। आ गए दोस्तों, हो गए दर्शन, बहुत ही अच्छा लगा। हवा बहुत ही तेज चल रही थी, बहुत ही ऊंचाई पे थे हम। गिरजा देवी कौन है मैं आपको इसके बारे में डिटेल देता हूँ थोड़ी आगे जाके। दोस्तों अब हम भाई गुफा में थे, मजा आ गया गुफा में जाके। बहुत बढ़िया, कैसा लगा भैया गुफा में, मजा आया? चलो चलते हैं नदी के पास, चलो चलो फोटो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आऊँ गिरजा मंदिर उत्तराखंड में, जो रामनगर में पड़ता है, जिम कॉर्बेट कैशमीर पार्क के पास। इसका नाम गिरजा मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि एक पत्थर की शिला है, ये पीछे पानी से बहकर आई है। पर्वतों के जो पहले राजा हुआ करते थे गिरिज महाराज जी, उनकी बेटी है जी गिरजा जी, गिरजा देवी। ये इनकी जो पूरी चट्टान मंदिर की है, पीछे नदी से बहके आई है। पीछे आप ये नदी देख सकते हैं, ये भी कोसी बैराज नदी है, बहुत ही मशहूर नदी है वो, ये चट्टान आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये बसा हुई है, पहाड़ों के बीच में एक चट्टान से बह के आई है, पहाड़ों के बीच में एकदम से बिल्कुल चट्टान बह के आ चुकी है। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य दिखा रही है, यहाँ के वातावरण में बहुत ही खुश है। दोस्तों उत्तराखंड को ऐसे ही नहीं देवभूमि कहा जाता, ये वाकई में देवभूमि है। यहाँ पे मंदिर बहुत ही अच्छे अच्छे हैं और बहुत ही प्राचीन है, यहाँ आके अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही मजा आता है। दोस्तों आप गिरजा मंदिर जरूर आएँ, आप नदी भी देख सकते हैं कितनी सुंदर है, इतना अच्छा पानी है इसका, इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है यहाँ से, हवा बहुत ही ठंडी है दोस्तों इसकी। अब हम चलते हैं आगे की ओर, आपको थोड़ा और दृश्य दिखाएंगे। दोस्तों हवा चल रही थी बहुत तेज, बहुत ही मजा आया गिरजा मंदिर में आके। आपको मैंने फुल डिटेल दी मंदिर की और भैरव जी की, उनकी गुफा भी दिखाई, बहुत ही मजा आया। दोस्तों अब हम चलते हैं रामनगर की ओर, अगर ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो तो आपको इसकी वीडियो अगले ब्लॉग में मिलेगी। बहुत ही आनंद आ रहा दोस्तों, देवभूमि भी नहीं कहते उत्तराखंड को, लग गया पता। और रास्ते में बाघ भी आ जाते हैं, शेर भी आ जाते हैं, मैं तो कर रहा हूँ अपनी खिड़कियाँ बंद।